हेलो फ्रेंड्स, आज का अपडेट है एसएसजे यूनिवर्सिटी अल्मोड़ा के रिगार्डिंग। मेरे उन सभी व्यूअर्स के लिए जिन्होंने बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 एसएसजे यूनिवर्सिटी अल्मोड़ा से दी हुई थी। जैसा कि फ्रेंड्स आप सब लोग जानते ही होंगे कि रिजल्ट आउट हो चुका है और यूनिवर्सिटी द्वारा इसके रिगार्डिंग एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें आपके एडमिशन की कम्प्लीट प्रोसेस शेयर की हुई है, जिसके रिगार्डिंग आगे कंप्लीट डिटेल में शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो सबसे पहले देख रहे थे फ्रेंड्स इस नोटिफिकेशन में क्या कुछ कहा गया है। विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 की लिखित परीक्षा एवं प्रमाण पत्रों के सत्यापन के उपरांत प्रवेश की चयन सूची यानी की मेरिट लिस्ट विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट ssju.ac.in पर जारी हो चुकी है। और इसी क्रम में बीएड प्रवेश परीक्षा में चयनित परीक्षार्थियों के प्रवेश का कार्य यानी कि जो एडमिशन है वो 7, 8 और 9 दिसंबर को होगा। प्रातः 10 बजे का टाइमिंग आपको दिया गया है। जिनको कॉलेज अलॉट हो चुके हैं, मेरिट लिस्ट में जिनका नाम आ चुका है, उनको 10 बजे 7 दिसंबर, 8 दिसंबर, 9 दिसंबर, 3 दिन का समय दिया गया है। 7, 8, 9 जब भी आपको समय मिलता है आप सबसे पहले अपना एडमिशन ले लें। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं, तो कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट हैं उनको भी हम देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, एडमिशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं, जिनकी लिस्ट यहाँ पे जारी की गई है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है चिकित्सा प्रमाण पत्र, जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत हो। ठीक है, तो पहला तो है चिकित्सा प्रमाण पत्र, दूसरा है देखिए स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी, ठीक है, और दूसरा है करेक्टर सर्टिफिकेट सीसी, और कास्ट सर्टिफिकेट, जिनके पास कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी लेके जाएं, और माइग्रेशन सर्टिफिकेट। इसके अलावा 2 लिफाफे जिसमें 5 रुपए के टिकट लगे हों। नेक्स्ट है देखिए आधार कार्ड की फोटोकॉपी, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, ठीक है, 2 अभिभावक तथा विद्यार्थी दोनों की ओर से कोर्ट से जो बनवाया जाएगा, यानी कि आपको ये कोर्ट से बनवाना है एंटी रैगिंग का सर्टिफिकेट। इसके अलावा है समस्त प्रमाण पत्रों की छाया प्रति, आपकी जो 10th क्लास 12th ग्रेजुएशन कि जो भी डॉक्यूमेंट हैं उनको आपने स्वप्रमाणित यानी कि आप सेल्फ अटेस्ट करके ले जाएंगे। साथ ही मूल प्रमाण पत्र यानी कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है वो भी आपको लेके जाना होगा। इसके अलावा पासपोर्ट साइज की 4 फोटोग्राफ आपको लेके जाने हैं, साथ ही देखिए आपको एडमिशन फी भी लेके जानी है। तो ये कुछ बेसिक से डॉक्यूमेंट हैं जो आपको लेके जाने हैं अपने प्रवेश प्रक्रिया के लिए। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आपको एक बार और क्लियर कर दो, 7, 8 और 9 दिसंबर की टाइमिंग आपको दी गई है एडमिशन प्रोसेस के लिए। तो आपको जो भी कॉलेज अलॉट किया जाएगा आप वहां पे जाके एडमिशन ले लें। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी के लिए इन्फॉर्मेशन यूजफुल रही होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी को समय रहते अपडेट मिल सके। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।